अवतार मेहर बाबा की जय, अवतार मेहर बाबा की जय, अवतार मेहर बाबा की जय। प्रियतम मेहर प्रभु, हमारे बीच में आकर के आप हम सभी आपके दर्शन, सहवास और प्रेम का आनंद देकर हमारा मार्गदर्शन कीजिए, यही आपसे गुजारिश। थैंक यू बाबा, जय बाबा। बिलीव्ड गॉड, हेल्प अस ऑल टू लव यू मोर एंड मोर एंड मोर एंड मोर एंड स्टिल गेट मोर टिल वी बिकम वर्दी ऑफ यूनियन विद यू, एंड हेल्प अस ऑल टू होल्ड फास्ट टू बाबा'स डायमंड टिल द वेरी एंड। अवतार मेहर बाबा की जय, अवतार मेहर बाबा की जय, अवतार मेहर बाबा की जय। सभी को प्रेम पूर्वक जय बाबा। कृपा करके अपने माइक बंद रखिएगा प्लीज, क्योंकि मेरे पास यहाँ होस्ट कंट्रोल नहीं है, मैं यहाँ सबको अनम्यूट भी नहीं कर पाऊंगी। थैंक यू विभाषाई, जय बाबा। सबको प्रेम पूर्वक जय बाबा। द बॉयज, ये किताब हम लोग पढ़ रहे हैं प्रेमाश्रम मेराश्रम दिन की। इसमें सभी जो गिने चुने स्टूडेंट का एक पूरा प्रेमाश्रम का वर्णन पहले दिया, उसके पश्चात फिर कुछ गिने चुने जो प्रेमाश्रम मेराश्रम के बच्चों के बारे में बताया, फिर एक एक के बारे में संक्षेप में बताया, फिर आगाली के बारे में हमने देखा, इसके पश्चात हमने अब्दुल्ला पकरवान का देखा। अभी अब्दुल्ला पकरवान की दोनों बेटियां उनके बारे में कह रही है, वो हम जानेंगे, और एकाध पन्ना बचा है। उसके पश्चात आज ही हम लोग स्पंदा वेस्ले की हकीकत शुरू करेंगे। आज मुझे माफ करना, मैं थोड़ा भी प्रिपेयर नहीं कर पाई, संभव पता नहीं, यहाँ आने के चक्कर में सभी पेजेस टाइप करने के, इसमें इसको पढ़ के तैयार करना रह गया, और पूरा दिन आज समय नहीं मिला, आज ड्राइवर भी नहीं मिला ये इलेक्शन के कारण, तो ये जब गाड़ी चलाते तो मुझे ध्यान देना पड़ता है। आज शुरू करते हैं, बाबा ही पढ़ेंगे, गलती होगी तो मेरी, मुझे माफ़ कर दीजिएगा, पहले से बोल देती हूँ, खैर बाद में रह जाएगा तो। और आप लोग चौकन्ना रहिए कि कोई हिंदी शब्द मुझे चाहिए तो मदद जरूर करना। आज धुनी का दिन भी है और यहाँ आके भी धुनी जलते समय वहाँ नहीं है, सुषमा जी यहाँ मिली जो अपने रेगुलर मेंबर है, और वो गई है धुनी पर, तो पूछ रहे थे, मैंने बोला आप आगे चलो, 7:15 ये ख़त्म करके हम आ जाएंगे। आपको मेरी आवाज़ सही आ रही है, ठीक आ रही है? ठीक, थैंक जी जी, थैंक, ठीक ठीक, थैंक यू, जय बाबा। तो अभी पिछले बार हम लोग पेज नंबर 268 में रुके थे, अब्दुल्ला पकरवान की जो छोटी बेटी शिरीन, उसने उनके बारे में बताया था। अब उसकी बड़ी बेटी, जो से अब्दुल्ला पकरवान के लिए बहुत अधिक प्रेम लगाव था, जो अंदरूनी कहते ना, जैसे जिस दिन उसके पापा का मतलब देहावसन हो गया, उस दिन वो बराबर अस्पताल से निकल के भी सोच रही थी, बार बार बोल रही थी कि हमें घर नहीं जाना चाहिए, हमें वापस जाना चाहिए उनके पास। तो वो जो शहनाज की बातें हैं, अब वो अपने पिता के बारे में वो क्या कहती है, कोई व्यक्ति खास करके वो सच्चा बाबा प्रेमी होगा तो खुद अपनी तारीफ करेगा ही नहीं, तो हम ठीक से नहीं समझ पाएंगे। लेकिन जब उसकी बेटी बता रही तो हम क्या, हमें ये पता चलता है कि किस तरह से बाबा की सीख इन बच्चों में, इतने बचपन में, इतने कम समय, केवल कुछ चंद महीनों में, 18 महीनों में, 4 महीनों में उन्होंने इतना अच्छे से उसको ग्रहण किया है और उसको वो अमल में ला रहे हैं, उसको हम देखेंगे। मैं पढ़ना शुरू करती हूँ। डॉक्टर शहनाज पकरवान गिव्स अस हर हार्टफेल्ट रिमेम्बरेंस ऑफ हर डैड। उनकी बेटी जो शहनाज पकरवान है, अपने पिता के बारे में हृदयस्पर्शी यादें दे रही है। वो कहती है, अब्दुल्ला वॉज अ ब्यूटिफुल मैन इनसाइड एंड आउट। अब्दुल्ला पकरवान जो है, अंदर बाहर एक बहुत खूबसूरत व्यक्ति थे, बहुत सुंदर थे ये दिखने में, ये तो हमने देखा ही है, लेकिन वो केवल बाह्य सौंदर्य नहीं था, तो अंदर भी उनका मन, उनका व्यवहार, उनका विचार, उनका आचरण भी उतना ही सुंदर था।
was serene and humble. He never raised his voice to be heard. वो शहनाज अपने पिता के बारे में कह रही है कि वो अत्यंत पवित्र पाक जिसे कहते हैं ऐसे व्यक्ति थे, सीरिन पायस एकदम, और ये बहुत नम्र थे, विनम्र थे, शालीन थे, लेकिन बहुत होशियार भी थे, इंटेलिजेंट थे, वाइज के लिए बहुत अच्छा शब्द कहना है तो चतुर भी नहीं सही होगा, होशियार थे, मतलब ऐसा नहीं कि उनको कुछ समझ में नहीं आता था, ये कुशाग्र बुद्धिमत्ता भी थी, होशियारी भी थी, इसके बावजूद ये सारे गुण उनमें थे, विनम्र थे। उन्होंने कभी भी आपकी अपनी आवाज ऊंची नहीं की। His aura did the work, उनका जो आभा थी उनकी वही काम चला लेती, उतनी उनकी आभा प्रखर थी, जबरदस्त थी। इन ये महत्वपूर्ण है हमारे लिए क्योंकि हम जानते हैं कि वो छठवीं भूमिका में थे। इन अच्छा और एक महत्वपूर्ण बात पिछले बार किसी ने पूछी थी, इसका उत्तर बाबा ने दिया है, दूसरी किताब में दिया है, अर्ली मैसेजेस टू द वेज। तो चौथी भूमिका हो, पांचवी हो, छठवीं हो, दूसरी हो, चाहे वो उस चेतना में वो आत्मा या व्यक्ति आते जाते रहता है। जब छठवीं भूमिका की चेतना रहेगी तब उसकी उस समय वो जो भी उसकी खासियत है हमने पढ़ा है वो रहेगा ही। उसके पश्चात वो कभी कभी बीच में भौतिक चेतना में भी आते रहते हैं, तब उनकी चेतना भौतिक रहना रहती है, लेकिन भौतिक चेतना ग्रहण की इसकी वजह से जो चेतना का उनका विकास हुआ है या प्रगल्भ जिस तरह से चेतना हुई है या उन्होंने जो कुछ हासिल किया आध्यात्मिक दृष्टया, वो चला नहीं जाता, वो बरकरार रहता है। केवल जो भान होना है उस जगत का और इस जगत का वो बात हो रही थी। In all the years I knew him, I never heard him demand, rant or rave in anger. वो कहती है कि जितने भी सालों से मैं उन्हें जानती हूँ, मैंने कभी उनको गुस्से में पगलाते हुए या शेखी बजाते हुए या कोई मांगे करते हुए कभी भी मैंने उन्हें देखा नहीं। Nor did he utter harsh words against anyone. कितनी बड़ी बात है कि कभी भी उन्होंने किसी के भी बारे में कोई खराब या बुरे शब्द जो मन को व्यथित करे ऐसे शब्द उन्होंने कभी भी किसी के भी बारे में नहीं कहे। Forgiving to a fault, he only found the good which some said was his downfall. वो केवल व्यक्ति में अच्छा ही देखते थे, किसी भी व्यक्ति की केवल वो अच्छाइयां देखते थे। कभी भी उन्होंने किसी के दुर्गुण या दोष देखे नहीं और व्यवहारिक लोग उनका ये पतन या अधोगति समझते थे कि किसी के में भी किसी के भी उनको दोष नहीं दिखते थे। तो जैसा होता है आम जिंदगी में उसके परिणाम होते हैं, सभी को भुगतने पड़ते हैं। तो इसके लिए लोग कहते थे कि ये अधपतन है इसका, इसकी अधोगति है, ये सब सबके नाश की बात है, ऐसा दुनियादारी के लोग कहते थे क्योंकि उनका आदत नहीं, दूसरों में दोष देखने की आदत नहीं थी। He saw life and its rich gifts exactly for what they were. कितनी बड़ी बात है, nothing less, nothing more. जीवन ने जो कुछ भी उन्हें दिया, जीवन से जो कुछ भी उनको रिच गिफ्ट या दान मिला, देन मिले, अच्छाइयां मिले, उसे ना उन्होंने कभी कम गिना ना उसे कभी अत्यधिक महत्व दिया। परफेक्टली जैसा बाबा ने कहा, बी इन द वर्ल्ड बट डोंट बी ऑफ द वर्ल्ड। अगर दुनिया हमें कुछ देती है, इस दुनिया में आपको कुछ लग्जरीज मिलती है, प्राप्त होती है आसानी से, अनायास से, नेचुरली स्वाभाविक तरीका, तो आपको उसको लेना है, परंतु उसमें आपको लिप्त नहीं होना है। ना ही अगर वो है, वो नहीं है तो उसके बिना हमारा नहीं चलता, इस प्रकार का भी नहीं है। तो जो भी जीवन ने उनको दिया उसे उन्होंने ना कम गिना ना ज्यादा गिना। एंड ही टुक ओनली द मियरेस्ट, कम से कम ही केवल उन्होंने लिया। आई हर्ड मेनी से नॉट एम्बिशियस इनफ। अब जो दुनिया के लोग है वो तो यही कहेंगे कि अरे इस व्यक्ति में कोई आकांक्षा ही नहीं,
ये महत्वाकांक्षी नहीं है, कोई उसका मकसद ही नहीं जीवन का। तो काफी लोग उनको ऐसा कहते थे कि वो ही इज नॉट एंशियस इनफ, ये ज्यादा एंशियस नहीं है, एम्बिशियस नहीं है, महत्वाकांक्षी नहीं है, ऐसा लोग कहते हैं। टू लेट बैक डजंट ग्रैब लाइफ बाय द थ्रोट। अब ये जो दुनिया के लोग उनके बारे में कहते हैं, ये मुंडी पकड़ के जीवन नहीं जीता है, वो बहुत पीछे रहने वाला व्यक्ति है, ऐसे दुनियादारी के लोग उनके लिए कहते हैं। मतलब इच्छाएं ज्यादा प्रखर नहीं थी, लोभ नहीं था, हवस नहीं थी, जो सब दुनिया को होती है, ये कमियां उनमें थी। अब ये जो दुनियादारी की दृष्टि से, नजरिए से कमियां है, या आध्यात्मिकता की दृष्टि से गुण गिना जाएगा। आवाज सही है, कभी किसी को दिक्कत है तो बताते रहना, अगर रेंज में कोई प्रॉब्लम है तो। आई रिस्पॉन्डेड देन एज थैंक यू आई वुड नाउ। तो ये लोग जैसा इसके पिता की आलोचना करते थे, इस प्रकार का टीका टिप्पणी उन पर करते थे, या उनके दोष इस तरह से दुनिया की नजरिया से बताते, उनको जवाब देती थी उनकी बेटी। वो कहती थी, जैसा उनको मैंने तब कहा ऐसा ही अब यहाँ उद्धृत करती हूँ, ऐसा उसने कहा है, ही इज अ सेंट। ये महत्वपूर्ण बात है, ये कौन कह रहा है? उनकी बेटी कह रहे हैं, ही इज अ सेंट, ही डजंट नीड एनी ऑफ दैट। वो संत व्यक्ति है, और ये जो दुनियावी सब कुछ है, बहुत सारी महत्वाकांक्षा, एम्बिशन, ये सब उनको जरूरत नहीं है, क्योंकि वह संत व्यक्ति है। हमारा परिवार ही हमें अधिक अच्छा समझता है, क्योंकि वहां पर हम मुखौटा लेके चलते नहीं, हम स्वाभाविक रहते हैं, नेचुरल रहते हैं, और वो हमें अंदर बाहर 24 घंटा देखते हैं, तो हमारा सब कुछ उनको पता होता है, असली नकली, तो वो हमें अधिक अच्छा समझते हैं। इसलिए ये बेटी अपने पिता के बारे में जो कह रही है कि उनको ये सब चीजों की जरूरत नहीं थी, वो एक संत व्यक्ति थे, और कितना सही कहा, छठवीं भूमिका मतलब संत ही है। एंड इट इज ट्रू दैट ही इनहैबिटेड ए पैरेलल प्लैनेट, दिस इज अगेन इम्पोर्टेंट, ही इनहैबिटेड ए पैरेलल प्लैनेट वन वेयर मटेरियलिज्म एंड सेल्फिशनेस हैड नो प्लेस। ऐसी उन्होंने अपनी एक दुनिया बसा ली थी, इसी दुनिया के अंदर अपनी एक अलग दुनिया बसा ली थी, जिसमें ये भौतिकता, ये मटेरियलिज्म, ये स्वार्थ, इसकी कोई जगह ही नहीं थी इसके लिए। ऐसी एक अपनी उन्होंने अपनी अपनी आबाद दुनिया बसा ली, जो केवल आनंद ही थी, सत्यता की थी, ईमानदारी की थी, जिसमें केवल वो दूसरों को अपने खुद के नुकसान सहन करके दूसरों को भी वो मदद करते थे। ऐसी एक दुनिया उन्होंने अपनी अपनी एक अलग दुनिया इसी दुनिया में बसा ली थी, और यही होता है। ये बाबा का बच्चा प्रेमाश्रम का था, ऐसे ही बाबा ने उनको अपनी सीट के पास बाबा ने उनको जगह दी थी बनाने के लिए, बैठने के लिए। बाबा ने स्वयं उनका नाम छोटा बाबा कर दिया था। आगे चलते हैं। Abdullah's presence in your space was confirmed by a deep and spiritual quietness. आपके साथ उनका जो सहवास है, कंपनी है, वो किस तरह से थे? एक शांत व्यक्ति, परंतु गहन आध्यात्मिकता के साथ शांतता उनमें थी। वो अब हमारे साथ रहते थे, लेकिन अपनी एक अलग उनकी दुनिया थी। हमें उनका सहवास कैसा मिला? एक शांत, गहन, गहरा आध्यात्मिक की शांतता के साथ हमें उनका सहवास मिला। My enduring childhood memories are of love, warmth and compassion. अब आगे शहनाज कहती है कि मेरी बचपन की जो यादें हैं, वो प्रेम, स्नेह और दयालु भाव की ही है अपने पिता के बारे में। और being held aloft by a tall, handsome man who exuded peace and tranquility as he wandered around his lemon grove, tending to his fruits lovingly।
अपने पिता के साथ वो कैसा फील करती थी, कैसे महसूस करती थी। वो कहती है कि मेरे पिता के साथ के जो मेरे बचपन के दिन है वो मुझे स्नेह, दया और प्रेम भरे ही याद आते हैं। ये ऊंचा टॉल, मतलब बहुत हाइट अच्छी थी उनकी, बहुत सुंदर थे। तो वो कहती ये ऊंचा, बहुत टॉल, हैंडसम, बहुत सुंदर जो व्यक्ति है उससे हम क्या क्या अनुभव करते थे। एक शांति, ट्रैंक्विलिटी के लिए सही शब्द आप बता दीजिए। एकदम मतलब वो शांति, वो अद्भुत शांति होती है, दिल को छू जाने वाली होती है। उसमें प्रेम होता है, पवित्रता होती है, शांत भाव होता है। इस प्रकार की ट्रैंक्विलिटी, एक शांतता, एक आनंद, ये सब उनके इर्द गिर्द रहता था। किसके? अब्दुल्ला पकड़वान के। उनके जो बच्चे थे उनके लिए ये सारे आनंद, शांति और ट्रैंक्विलिटी के फल उन्होंने प्रेम से दिए थे, अपने स्वभाव से, अपने आचरण से, अपने व्यवहार से। उनके बच्चों के लिए वो कैसे थे, तो अपने इसके लिए उसने कहा है, हिज लेमन ग्रोन टेंडिंग टू हिज फ्रूट्स लविंगली। अपने जो बच्चे हैं साथ में, अपने बगीचे में जो फल है, फूल है, उनको भी वो इतने प्रेम से वो उनके भी देखभाल करते थे। शनिंग द सोशल लाइमलाइट इन फेवर ऑफ केयरिंग फॉर द एल्डरली, द सिक एंड द डाउन एट आउट, दिस काइंड मैन मेड नाइदर स्वीपिंग स्टेटमेंट्स नॉर इम्प्रेशंस। ये जो दयालु व्यक्ति था उसने कभी इसकी इच्छा नहीं की कि मैं सामाजिक एकदम प्रकाश ज्योत में आऊं, बहुत मेरा नाम, चर्चा, प्रसिद्धि मुझे मिले, कभी नहीं। इससे वो व्यक्ति हमेशा दूर रहा, जबकि ये बहुत सोशल थे। और जो बूढ़े लोग हैं, जो बीमार लोग हैं, जो गरीब हैं, इनकी तरफ से ये बहुत दयालु भाव रख के उनकी बहुत सेवा करते थे। He was content in just being। ये महत्वपूर्ण है। ये एक दुनिया की बच्ची ने कोई भी आध्यात्मिक शब्द उपयोग में लाए बिना उनकी महान आध्यात्मिकता का यहाँ पर दुनिया की नजर से, दुनिया में रहकर दुनिया के शब्दों से जो ब्यौरा दिया है वो लाजवाब। वो कहती है He was content in just being and this is what Baba expects from each of us। यही बाबा हम सबसे चाहते हैं, केवल रहना है शांति, समाधान और आनंद से। वो इतने में ही वो समाधानी थे। He was content in just being। केवल अस्तित्व और रहना है, इतने में ही, केवल अपने होने में ही उनका समाधान था। और कोई एम्बिशन, इच्छा, महत्वाकांक्षा, कोई सपने, कोई इच्छा, कोई ख्वाब, कोई डिजायर्स नहीं थी इस व्यक्ति। इन हिज लेटर इयर्स आई मेड हिम लाफ अ लॉट। वो कहती है जैसा कि लगता है बच्चों को अपने माता पिता को खुश करना, खुश देखना, हंसाना, हंसना हंसाना, तो वो कहती है उनके जो बाद के साल थे जब वो बहुत बूढ़े हो गए थे, तो उसने हमेशा उनको खुश करने की, उनको हंसाने की, उनको खुश करने की कोशिश की। He had a mysterious sense of humor। He had a mischievous sense of humor, which when released was a joy to behold। तो उनको जैसे बाबा के साथ ये लोग बड़े हुए, पले हुए, जैसे बाबा का सेंस ऑफ ह्यूमर बहुत अच्छा था, तो वो कहती है अपने पिता अब्दुल्ला पकड़वान का भी सेंस ऑफ ह्यूमर जो था, मतलब कोई भी चीज में से जो विनोद, तुरंत उसको ढूंढ कर उसको अप्रिसिएट करना, उसका सराहना करना, उसको एंजॉय करना, ये एक अलग स्वभाव होता है। इन लोगों को जोक बताना, जोक सुनना, या किसी भी स्थिति में से उस स्थिति को, ह्यूमरस स्थिति कोई भी, और वैसे भी जीवन में देखो कितनी भी गंभीर स्थिति हो, यदि उसमें हम विनोद ढूंढ के अगर उसको करेंगे तो वो स्थिति थोड़ी साधारण, आसान और सहनीय होती है। उस स्थिति का थोड़ा सा तनाव उसमें से
कम हो जाता है। तो यहाँ पर वो कहती है कि अब्दुल्ला पकरवन का सेंस ऑफ ह्यूमर बहुत था और वो थोड़े से मिस्चुअस, क्या कहेंगे, शरारती, मिस्चुअस थे, क्योंकि फिर वो लोग ही जो बना सकते हैं ह्यूमर, बना निर्माण कर सकते हैं, किसी स्थिति से ह्यूमरस सिचुएशन को देख चुन सकते हैं। विच व्हेन रिलीज वाज अ जॉय टू बिहोल्ड, दे से दैट एल्डरली चाइल्डहुड डेवलपमेंट इज की टू क्रिएटिंग हेल्दी वेल राउंडेड चिल्ड्रन हु ग्रो इनटू पीसफुल लविंग एडल्ट्स। वो कहती है कि बचपन की जो विकास है ये बहुत महत्वपूर्ण है, जो कि आगे चलकर आगे के जीवन के लिए एक चाबी रहती है। इस चाबी से आगे का जो आपका प्रौढ़त्व का जीवन है, आगे का जीवन जो है वो खुशहाल, प्रेममय, शांतिमय और बहुत आरोग्यदायी, ऐसा आगे अगर व्यक्ति बनना है तो उसकी चाबी उसके बचपन में होती है। तभी जिस प्रकार का आपका बचपन होगा उस प्रकार की आपकी आगे की डेवलपमेंट होगी, आपके व्यक्तित्व का आगे विकास होगा। इसीलिए बाबा ने बार बार कहा है कि बच्चों पर, जब वो बच्चे हैं तभी उन पर अच्छे संस्कार करना, आध्यात्मिक संस्कार करना ये बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि उस समय अगर कोई उनको इंस्पिरेशन होती है, स्फूर्ति मिल जाती है, तो फिर वो बहुत फायदे का होता है आध्यात्मिक दृष्टा, वो लास्टिंग इफेक्ट होता है। इन दैट मोस्ट बेसिक साइंस आई कुड नॉट हैव हैड अ बेटर टीचर, अ बेटर मेंटर टू सेट मी अप फॉर लाइफ। वो कहती है इस दृष्टि से अगर हम मैं देखती हूँ तो मेरे पिताजी के साथ उन्होंने जो, इन शॉर्ट दूसरे शब्दों में यदि हम कहेंगे तो उन्होंने मुझे जिस तरह से बनाया, जिस तरह से उन्होंने मुझे ब्रॉट अप किया, जिस प्रकार के संस्कार दिए, जिस प्रकार के सीख दी, जिस प्रकार का प्रेम, देखभाल ये सब उन्होंने दिए, और उसके साथ जो सीख दी, और सीख केवल कहने से होती नहीं, आचरण में हम लाएंगे तब उससे बच्चे अधिक सीखते हैं। आप पड़े हैं पैर ऊपर करके, टीवी देख रहे, पिक्चर देख रहे, मार्केट जा रहे और बच्चों को बोल रहे ए पढ़ाई करो, कभी नहीं होगा। आप स्वयं ये सारे बंद करो, खुद पढ़ते रहो, कुछ ना कुछ पढ़ते रहो, जो भी पसंद है। घर में अच्छी किताबें आएगी तो बच्चे अपने आप मजबूर हो गए वो किताबें पढ़ने के लिए, वो एक माहौल रहता है। घर में बाबा की बातें रहेगी, भजन पूजन रहेगा, प्रार्थना आरती होगी, तो बच्चे अपने आप ही उसको पसंद करेंगे, उसके ऊपर उनका कई जन्मों का असर हो जाता है उनके ऊपर। तो इसी प्रकार से वो कहती है कि इस प्रकार से, इस तरह से अगर इस नजरिए से हम इसको देखते हैं तो मेरे पिता के से अच्छा सिखाने वाला, अच्छा मार्गदर्शक मुझे मेरे जीवन में, मेरा जीवन व्यतीत करने के लिए या सेटअप करने के लिए मुझे इससे अच्छा मेंटर नहीं मिल सकता था। यहाँ पर अभी जो अब्दुल्ला पकरवान की कहानी पूरी हो गई। अभी हम तुरंत शुरुआत करेंगे तीसरा पार्ट। इस किताब के हम दो पार्ट पढ़ चुके हैं, अब तीसरा और सबसे अधिक बड़ा पार्ट है ये, इसमें काफी कुछ है। ये अस्फंदायर वेसली का है। अब अस्फंदायर वेसली का वीडियो भी हमने शेयर किया था, आपने देखा है, हमने उसकी बातें भी खूब कही है। आज अब उस उनके मुख से यहाँ पर जो भी किताब में लिखा है, चाहे वो लिंक बनी रही या नहीं बनी रहे, हम उस जैसा दिया है उसको पढ़ेंगे। अस्फंदायर कैरीज बाबा इनटू मैरिज फैमिली, ये हेडिंग है कि बाबा को वो अपनी शादी में या परिवार में ले जाते हैं। अस्फंदायर लाइफ बैक इन पर, हम सब लोगों को पता है अस्फंदायर वेसली कौन थे, कि बाबा के आश्रम में थे, मेहर आश्रम में, प्रेमाश्रम में गए। जब अस्फंदायर वेसली के पिताजी उनको बाबा के पास भेजना नहीं चाहते थे, लेकिन उनकी माताजी जो है वो बैदुल के, बैदुल है ना, बाबा के जो शिष्य थे उनके रिश्तेदार थी,
और उनके प्रभाव के कारण वो भी बाबा प्रेमी थी, बहुत अच्छी बाबा प्रेमी थी, और उसने तय किया था कि अपने को, अपने से बच्चे को दूर करना माँ के लिए कठिन होता है, लेकिन यहाँ पर उसने डिसीजन लिया और अपने पति को मनाया। तब ये तो खुशहाल घर से था हस्बैंड नर्वसली, फिर भी ये सब छोड़ करके, और उन्होंने कहा कैसे जाने का मन बनाया, एक बच्चा है, ज्यादा बड़ा व्यक्ति नहीं है, जब बाबा के स्कूल की जाहिरात या विज्ञापन या एडवर्टाइजमेंट पेपर में दी गई थी, उसको पढ़ करके ये बच्चा प्रभावित हो गया कि मुझे इस स्कूल में जाना है, इस आश्रम में दाखिल होना है अपने लिए, और उसने जिद की थी और मजबूरन उसके पिताजी ने उसको भेज दिया था। और हमने ये भी देखा कि उसने पढ़ाई से फिर अपना ध्यान हटाया, फिर बाबा ने उसको बुला लिया, फिर बाबा ने उसे पूछा कि तुम क्या चाहते हो, तो उसने क्या कहा कि मैं ईश्वर चाहता हूँ और कुछ मुझे चाहिए नहीं, है ना। फिर बाबा बिस्तर में अपने चद्दर के अंदर गए, पसीने से लथपथ हो गए, और फिर उन्होंने अपने साथ रिक्शा में उसको बिठाया और समाधि ऊपर, समाधि इन द सेंस तभी गड्ढा बोलते थे उसको, क्रिप्ट बोलते थे, कि अपर मेहराबाद में बाबा अपने साथ रिक्शा में उसको, जो हैंडपुल रिक्शा थी उसमें बिठा के वो ऊपर लेके गए, और बहुत अच्छी नसीहत उसको दी, उसको बताया उन्होंने, बाबा बैठे उसको खड़ा किया और बोले कि हाथ को पकड़ के रहो, और फिर उसके बारे में बताया कि आध्यात्मिक पथ कितना रफ है वगैरह, जो हम सबके लिए एक बहुत बड़ी सीख है ये कहानी। तो आगे अब उनके बारे में उनके मुख से जो भी उन्होंने कहा है उसको पढ़ते हैं। थोड़ा सा आपको याद के लिए बैक रेफरेंस दे दिया, हस्बैंड नर्वसली कौन थे। हस्बैंड्स लाइफ बैक इन पर्शिया वुड अनफोल्ड इनटू द एडेड रिस्पांसिबिलिटीज ऑफ मैरिज एंड फैमिली ड्यूरिंग द इयर्स दैट फॉलोड बाबाज विजिट देयर 1929 को बाबा ने जब वहां पर भेंट दी, उसके पश्चात पर्शिया में जो बाबा ने भेंट दी उसके पश्चात हस्बैंड नर्वसली का जीवन, मतलब उनके ऊपर कंधों पर और अधिक जिम्मेदारियां आ गई अपने परिवार के, अपने शादी के, जो बाबा की विजिट के दरमियान ये सारा जीवन उनका ऐसा रहा। इन हिज लेटर टीन्स इन जाफराबाद, अब इन्होंने थोड़ा मेरे ख्याल से आगे पीछे किया है, उसको क्रम में नहीं लिया है। इन हिज लेटर टीन्स इन जाफराबाद ही वुड हेल्प हिज फादर सरोज ऑन द फैमिली फार्म, इनका परिवार का एक खेत था और इस खेत में ये हस्बैंड नर्वसली अपने पिताजी को मदद करते थे, और बाबा के यहाँ जाने के बाद भी ये यही करते थे, लेकिन बाबा की जो भेंट हुई 1929 को उसके पश्चात उनके कंधों पर जिम्मेदारियां आ गई। द इंसिडेंट इन्वॉल्विंग हस्बैंड गोइंग फॉर हिज सिस्टर्स मेडिसिन इन स्नो स्टॉर्म हैपेंड व्हाइल ही वाज स्टिल लिविंग विद हिज फैमिली, आपको ये घटना याद है, कितने लोगों को याद है, थोड़ा सा अंगूठा दिखा दीजिए, जो दवा खरीदने के लिए वो बाहर गए और बर्फीला तूफान आया और बर्फीले तूफान से वो बच गए बाबा की दया से। ये कहानी हमने पूरी कई बार बताई है, कई सेशंस में अलग अलग प्लेटफॉर्म में बताई है, अगर बाकी लोगों को याद नहीं है तो कृपा करके ऐसे नीचे वाला भी अंगूठा दिखाइए जिसको याद नहीं, ताकि मुझे अंदाजा आएगा, जिसको याद नहीं तो मैं पूरी घटना वापस उनके लिए बताऊं, क्योंकि यहाँ पर ठीक है मैं इन शॉर्ट बताती हूँ, शायद इन लोगों ने या तो वो सेशन मिस किया था कोई बात नहीं, इसको तो बाकी जहाँ भाषण वगैरह के लिए बुलाते तभी भी मैं इसको कहा है, फिर भी एक बार बता देती है, बहुत अद्भुत कहानी है। जब बाबा के आश्रम में हस्बैंड, ध्यान से सुनना, मैं सवाल पूछूंगी इसके ऊपर, जब बाबा के आश्रम में हस्बैंड नर्वसली पढ़ते थे तो वहाँ पर उस इलाके के सदगुरु संत महंतों की बाबा बातें बताया करते थे, चरित्र किताबें पढ़ाया जाता था इन बच्चों को, क्योंकि जैसा बाबा कहते हैं बचपन ही वो उम्र है जब आध्यात्मिक शिक्षा अच्छी तरह से उन पर प्रभावकारी होती है। तो हुआ यूं कि उस समय एक किताब में एक ऐसा पढ़ा था कि एक कोई संत थे और बर्फीली चोटी पर वो नंगे बैठ सकते थे, उस समय हस्बैंड नर्वसली के मन में ये आया कि ये कैसे हो सकता है, छे इस बात में कोई दम नहीं, क्या ये सही होगा,
कोई नंगा बदन बर्फीले पहाड़ पर कैसे बैठ सकता है। पर उन्होंने एक ऐसा ही कभी आता है मन में, कोई सवाल आता है और वो रह जाता है मन में, ना ही हम पूछते ना ही हम ही बाद में भूल जाते हैं, और ऐसा ही मन के कोने में वो लैटेंट सुप्त अवस्था में रह जाता है, वैसा उनके बारे में हुआ। आगे अब यहाँ पर जिसका जिक्र किया है, अब यहाँ पर वो बहन लिखा है, वहां पर माता का लिखा है। अब जो भी होगा, अगर सेम व्यक्ति भी अगर एक कहानी को दोहराती है तो कभी इधर उधर थोड़ा हो जाता है, तथ्य महत्वपूर्ण है, बाकी उसके छोटे मोटे डिटेल्स में ज्यादा माथापच्ची करने की आवश्यकता नहीं है। आजकल कई ग्रुपों में तो बहुत होता है, तो फिर क्या होता है, फोकस हट जाता है, बाबा बाबा का प्रेम निकल जाता है, और ये जो ऊपर का मंजिल जरूरी नहीं है अध्यात्म में, इसी का ज्यादा चलता रहता है। एनीवे, तो अपनी माता या बहन बीमार थी, उनको दवा लाने के लिए उनको जाना था, और जैसे कि हमने देखा एक जगह से दूसरी जगह में दूरी बहुत रहती है इस जगह पर, और सारा सुनसान रहता है, सारा वो डेजर्ट जैसा एरिया है, और वो जहाँ रहते थे वहाँ दवा नहीं थी, दूसरी जगह जाके दूर जा करके दवा लाना जरूरी था। तब वो जाते हैं दवा लेने के लिए, और साथ में जैसा कि वहाँ पर वो वाहन क्या, ये कार घोड़ा गाड़ी बस ये सब ट्रेन लोकल ये नहीं चलता था, तो उनका आने जाने का वाहन मतलब एक गधा गधे पर बैठ के जाने का, तो वो गधे पर बैठ करके चले गए थे वहाँ पर। और कोई ऐसा मौसम नहीं था, कोई ऐसा एटमॉस्फेयर नहीं था, ऐसा कोई रीजन नहीं था, अचानक से बर्फबारी शुरू हो गई, वो भी खूब सारी बर्फबारी शुरू हो गई अचानक से, और उनको बहुत ठंड लगने लगे। वो कहते हैं कि ऐसा कोई ठंड का मौसम नहीं था, इसलिए मैंने ठंड के कपड़े नहीं पहने थे। वहां जब गर्मी होती तो बहुत गर्मी होती है, तो एकदम सिंपल सा सादा सा गर्मी के हिसाब से उन्होंने, हाँ चालू रखना, जिसने किसने ये धुनी का लगाया है थैंक यू हम बात भी करेंगे, लोग सुनेंगे और हम देखेंगे भी, थैंक यू सो मच। तो इन्होंने ऐसे गर्म कपड़े नहीं लेके गए थे, तो बोलते ठंड के हिसाब से मेरे कपड़े नहीं थे, सादे कपड़े थे, तो मुझे बहुत ठंड लगने लगी। आसपास कोई आसरा भी नहीं था, कोई शेल्टर भी नहीं था, ना कोई बस्ती थी, ना कोई घर था, ना कोई दुकान था कि जहाँ जाके थोड़ा सर छिपाए, ऐसी कोई जगह नहीं थी, खुले आसमान के नीचे। और जोर से बर्फबारी और बढ़ गई और बढ़ गई, अब ये ठंड से जैसे जम जा रहे थे, अब इतना जम गए उनका गधा भी बर्फ में करीब करीब दफनाया जैसा हो गया। अब उनको लगा अब ये बर्फबारी से मैं बच नहीं पाऊंगा, अब मेरा अंत नजदीक आ गया, ऐसी बर्फबारी और मैं कहीं जा नहीं सकता, ना पीछे जा सकता है ना आगे पहुंच सकता है, ऐसे इन बिटवीन वो फंस गए थे, बीच में ही फंस गए थे, ऐसी दूरी थी कि ना पीछे जा पा रहे ना आगे जा रहे। अब जब इस तरह से हो गया तो जब ये हताश हो गए, ऐसे ही होता है जब बाकी सारे उपाय हट जाते हैं, जब हम बिल्कुल असहाय निर्बल दुर्बल हो जाते हैं, तो एकमात्र शक्तिमान ईश्वर हमें याद आता है। और उन्होंने बाबा को याद किया और बाबा से प्रेयर किया कि बाबा देखो मैं कैसा फंस गया, ना यहाँ कोई आसरा है, ना मैं कहीं आ जा सकता हूँ, मेरे उनके मैं उनके लिए दवा लाना मेरे लिए बहुत जरूरी है, अब ये हालत से मैं कैसे निकलूंगा, अब मुझे लगता है मैं तो मर जाऊंगा। अब जैसे कि उन्होंने दिल से बाबा को पुकारा, वो कहते हैं अचानक से ना जाने कहाँ से ऐसा उनको लगा, ऊपर से कोई गर्म पानी का बाल्टी भर के उनके ऊपर उपड़ी कर दी है, उल्टी कर दी, ऐसा लगा जैसा गर्म पानी की पूरी बाल्टी भर के शॉवर हो गया, उनका गर्म पानी का शॉवर हो गया, शॉवर बाद पूरी बाल्टी अगर गर्म पानी की उपड़ी करो अपने ऊपर उल्टी करो तो कैसा लगेगा, ऐसा अचानक ना जाने कहाँ से बाल्टी आ गई और ये गर्म पानी की बाल्टी मेरे सर के ऊपर उल्टी हो गई, और ये होता गया और मुझे गर्माहट महसूस हो गई, जो ठंड से बर्फ से वो जम रहे थे अब उनको वार्मथ गर्माहट महसूस हो गई, यहाँ तक कि उनका गधे का भी ऊपर से सब पानी पिघल गया, गधा उठ के खड़ा हो गया, बर्फ सारा उनका मेल्ट हो गया, पिघल गया गधे के ऊपर का, और गधे के ऊपर का
बर्फ पिघल के पानी गिरने लगा और इतनी पसीने में भी उन्हें उतनी बर्फबारी चली रही थी। बाहर बर्फबारी चालू है, जस्ट आप थोड़ी कल्पना करो, खुला आसमान है, खुला मैदान है, हर जगह बर्फबारी है। ऐसी बर्फबारी में आप फंस गए और केवल ऐसी बर्फबारी में आपको ही ये महसूस हो रहा है कि ऊपर से गर्म पानी और आप पूरे पसीना हो गए। इतना बर्फबारी में आप पसीना पसीना हो गए, आप अंदाजा लगा सकते हैं। और तब वो उनको ऐसी स्थिति में, उनको जो स्कूल में पढ़ा था नंगा बाबा पहाड़ी की चोटी पर हिमालय की बर्फ में नंगा बैठता है, ये बात जो बचपन में उनके मन में एक शंका थी, इस स्थिति में उनको वो बात याद आई। अब बोलो, तब उनको महसूस हुआ, हाँ वो बात भी याद आ गई और अब उन्होंने उस बात पर यकीन भी किया क्योंकि इतनी बर्फबारी में अब उनको पसीने छूट गए थे। तो बाबा ने उनको बचा लिया। ये इतना बड़ा बाबा का, अब तुम बोलोगे ये चमत्कार है क्या, वो सब हम चर्चा यहाँ नहीं करेंगे, आपको जो समझना है चाहिए समझिए। ये जो बाबा अपने बच्चों की केयर लेते हैं, इनको भले बाबा ने वहां से भेजा है, बच्चा ये अस्पंदार इसलिए अपनी मर्जी से नहीं गया है, बाबा ने उसे भेजा था और बाबा ने उनको कहा भी था कि इन बी कनेक्टेड विथ मी फॉर एवर इंटरनली, अंदरूनी मेरे साथ जुड़े रहो। ये बच्चे किस प्रकार से बाबा के साथ हमेशा जुड़े रहते थे, यही कहानी हम इस किताब में पढ़ रहे हैं। किस प्रकार का जीवन वो जीते थे, बाबा की सीख का असर, बाबा के प्रेम का प्रभाव कैसे उनके जीवन में रहा, एक एक नगीना है उसको हम देख रहे हैं। अब आगे ये कहानी में बताया है, अगली बार मैं आप में से किसी को बताने के लिए कहूंगी, ठीक है, आगे चलते हैं। तो इसके बारे में अब अस्पंदर कहते हैं, अब ये कहानी कहाँ से पता चले, वीडियो से। ये बहुत सुंदर उनके वीडियो हाथ लग गए, चाहे तो बी विथ बाबा अगर आप देखा करो, उसमें मैं और भी उनके वीडियो डाल दूंगी अस्पंदर वेस्ली के, ठीक है, आज या कल से डालना शुरू करूंगी, काफी है उनके वीडियोस, सभी मैंने देखे नहीं पर कोई बात नहीं, अगर मैंने नहीं भी देखा तो मैं शेयर कर दूंगी। After the snowstorms incident with the donkey, I built a small room with my own hands adjacent to where Baba had sat on my mother's specially made pillow in 1929, recalls Aspandai. अब देखो, अब ऐसा समय था कि शायद अस्पंदाय का आध्यात्मिक प्रवास रुक जाने वाला था या अवरोधित होने वाला था, उसे आगे बढ़ाने के लिए बाबा ने यह किया होगा, क्योंकि जैसा यहाँ उन्होंने कहा है, वो कहते हैं कि वो बर्फबारी में वो गधे के बारे में जो घटना हुई उसके पश्चात घर आने के बाद अस्पंदर वेस्ली ने क्या किया, अपने घर में उन्होंने एक छोटी खोली बनाई। कहाँ पर छोटी रूम बनाई, ठीक उसी जगह पर जहाँ जब बाबा उनके होम विजिट किए थे और जब बाबा जिस जगह पर बैठे थे उसी जगह पर उन्होंने एक छोटी खोली बनवाई, रूम बनवाई और उनकी माता जी ने बाबा के लिए स्पेशल पिलो बनवाई थी, तकिया बनवाई थी और इस तकिया पर आकर खुद बाबा बैठ गए थे। तो जिस जगह पर बाबा इस तकिया पर बैठे थे उस जगह पर उन्होंने अब इस घटना के पास जाकर के वो रूम बनाई और उस रूम में वो अपने बैठते थे, घंटों बैठते बिताते थे, बाबा के साथ मेडिटेशन करते थे। 1929 में जब बाबा आए थे तो उसी जगह पर उन्होंने रूम बनवाई थी, रिकॉल्स अस्पंदायर याद देते हैं। समहाउ ये अस्पंदायर वेसली और मेरे पिताजी के बारे में दो तीन घटनाएं सिमिलर हो गई है। अब ये मुझे ये पढ़ के मुझे ये पता चल रहा है, काश अगर मुझे ये पहले पता होता तो मैं मेरे पिताजी को भी ये सारे बता देती थी। जैसे तकिए की बात हो गई है, जैसे उनके माता जी ने बाबा आने वाले हैं सोच के पहले से हाथों से तकिया बनाई रखी और घर में रखी थी अंदर रूम में, तो जब बाबा आए तो किसी के बताए बिना सीधे रूम में वो चले गए और उसी तकिए के ऊपर बाबा बैठ गए।
ये होता है प्रेम, और ये होता है प्रेम का प्रभाव, और उसको जो प्रियतम दाद देता है वो भी जानने लायक है। तो यहाँ पर अब वो रूम उन्होंने बनवाई, और आगे और एक घटना है भजन के बारे में, वो भी बताऊंगी। He would seclude himself in this room as often as possible over the next 2 years, focusing all of his energy and attention on Baba. अब वो क्या करते थे, जैसे ये घटना हो गई बर्फबारी की, तो उन्होंने रूम बनवाई, दो दो घंटा वो अपने आप को इस रूम में बंद करके बाबा के ऊपर ध्यान एकत्रित करते थे, मेडिटेशन करते थे, पूरा बाबा के ऊपर फोकस करते थे, पूरा अपना एनर्जी अपनी ऊर्जा बाबा का ऊपर ध्यान लगाने में वो डालते थे, व्यतीत करते थे। और इस तरह का उनका जो व्यवहार है लोगों को खटकता था, अक्सर होता है, अगर औरों से बनता नहीं है अधिकतर ईश्वर में रहना, उसकी बातें करना, उसकी बातें सुनना, उसका काम करना, दुनियादारी को पीठ करके ईश्वर की तरफ सम्मुख होना, ये जब जमता नहीं ना और लोगों को, तब वो क्या करते हैं, जो ये करता है इसके आलोचना करना शुरू देते हैं, जलन शुरू होती है, नफरत शुरू हो जाती है, झगड़े शुरू हो जाते हैं। जो बात उनको पता है अंदर से कि सही है पर वो नहीं कर पाते, एक्चुअली प्रेरित होके उनको भी करना चाहिए कि ये दुनिया के महामोह से, माया मोह से दूर होना सीखना चाहिए, लेकिन वो उनसे नहीं जमता है। फिर जो करता है उसके कार्य में कैसे बाधा डाले, ठीक यही हुआ स्पंदा एयरवेसली के बारे में, कि ये जो ऐसे घंटों उस रूम में मेडिटेशन करने बैठे तो सबका ध्यान उनके ऊपर गया। Relatives and neighbors would come to our house and they would insult and ridicule me. ये अक्सर अपनों से ही ज्यादा व्यथा होती है, ये सब अपना अपमान, इंसल्ट, नीचे दिखाना, ये सब अपने ही काम करते हैं। वो कहते हैं कि जैसे हमारे रिश्तेदार आते थे, पड़ोसी आते थे, फ्रेंड्स आते थे, ये जब हमारे घर आते थे तो अक्सर मेरा अवमान करते थे, मेरी आलोचना करते थे, मुझे ऊपर नीचे कम ज्यादा सुनाते थे। There were occasional times of relief and support for Aspandai. बेचारे की कैसे हालत होगी, यू कैन जस्ट इमेजिन, इतना हृदय व्यथित हो उठता है, पर यही बाबा की मर्जी होती है। इसमें एक ब्लेसिंग इन डिस्गाइज होता है, कैसे बताऊं, अगर वो लोग प्रेम से हमसे बातें करेंगे तो हो सकता है हम उनमें ही लिप्त हो जाएंगे, आसक्त हो जाएंगे। अब जब ये हमसे इस तरह व्यवहार करते तो हम क्या होते हैं, व्यथित होते हैं, हमारा दिल दुखता है, है? फिर हम कहाँ जाएंगे, हम तो अपने बाबा के पास कि बाबा तुम ही सब कुछ मेरे हो, तुम ही ये संभालो, सही गलत का फैसला आप ही करो, और हम किसकी पनाह में जाते हैं, और बाबा के करीब हो जाते हैं। तो इसमें एक प्रकार का हमारा आध्यात्मिक लाभ ही होता है, बल्कि नुकसान होता नहीं है। और इसीलिए जो लोग हमें ऐसा दुख देते हैं, आलोचना करते हैं, उनसे हम नफरत करके भले हम उस समय गुस्से में कुछ बोल दें या अपने आप को संभाल ले या अपने आप को प्रूव करने की कोशिश करें, लेकिन अंततः उनको माफ करके उनसे थैंक यू बोलना चाहिए कि चलो तुम्हारे कारण मैं दुनियादारी से और दूर होते चला और मैं मेरे प्रियतम के और करीब जाते चला। तो यहाँ पर अस्पंदा एयरवेसली की यही हालत हुई, वो कहते हैं कि इस सबसे वो बेचारे व्यथित होते थे, लेकिन एक ही उनके लिए राहत का समय होता था। वो राहत कभी उनको मिलते थी, एक सपोर्ट उनको कब मिलता था, हिज फ्रेंड अर्मेज डायर who also attended the ashram in India, would visit from the nearby village of Khoramsha, and the two boys would enjoy talking about their days with Bab. अब जैसा होता है कि परिवार जन हमें परेशान करते हैं, फिर हम कहाँ जाते हैं, मेरा बात जाते हैं, भजन जाते हैं, है ना, बाबा के सत्संग में जाते हैं, फिर जिनके दिलों में बाबा बसे, ऐसे बाबा प्रेमियों को मिलके हम बड़े खुश होते हैं, है ना, प्रेम भाव उभर आता है एक दूसरे के लिए, गले मिल जाते हैं। तो ठीक इनके बारे में ऐसा ही हुआ कि उनके जो मित्र थे उर्मेश दायर,
ये भी बाबा के आश्रम में थे। वो उनके घर जब आते थे तो उनको राहत मिलती थी और दोनों बैठ के घंटों बाबा की बातें करते थे, तब उनको बड़ा अच्छा लगता था। यही उनके दिल, तो उतना ही सुकून उनको दिल के उनके दिल को मिलता था। लेटर एज 19, अश्विंदर मूव टू कशानक, ए सबब ऑफ तेहरान। उसके पश्चात 19वें बरस में अश्विंदर वेस्ले कशानक एक जो उपनगर रहता है तेहरान का, उपनगर है जैसा बंबई में है ना, डुम्बेली कल्याण वगैरह बोरीवली उपनगर है, वैसा हर जगह पे और उपनगर आजकल हो गए, हैदराबाद का सिकंदराबाद, ठीक उसी प्रकार ये तेहरान जो शहर था उसका उपनगर था कशानक। वहां पर अश्विंदर वेस्ले रहने के लिए चले गए। तब उनकी उम्र 19 साल थी। On arriving there, he began living with Ostad Khodaram, a saintly man who resided there with his wife. अब जब ये कशानक शिफ्ट हो गए, वहां पहुंचने के बाद वो कशानक में एक खोराम नाम का संत व्यक्ति था, तो उनके साथ वो रहने लगे, उनके साथ रहने लगे, समय गुजारने लगे। उनके साथ जो खोराम थे उनके साथ उनकी पत्नी भी थी। अश्विंदर आगे कहते हैं, He accepted me into his home. जो उस्ताद खोराम थे उन्होंने अश्विंदर वेस्ले को अपने घर में पनाह दी। Whenever, मतलब आने देते थे। Whenever there was some shopping to do, I would do it for him. अब उनके घर में कुछ लाना है बाजार में से, मार्केट में से, तो ये मदद करते थे अश्विंदर वेस्ले, उनको लाके देते थे। अब एक ये भी संत सेवा हो गए। Born in 1932, Shirin Wahidi remembers her early years in Kashanak. अब यहाँ शिरीन वहीदी कौन है यहाँ तो बताया नहीं है, और आगे का मैंने भी कुछ भी अभी तक ये पढ़ा नहीं, आपके साथ ही पढ़ रही है, दिस इज फर्स्ट रीडिंग समहाउ, एनीवे बाबा प्लीज फॉरगिव मी। तो ये शिरीन वहीदी के बारे में यहाँ पर एकदम उल्लेख आ गया है, तो इसके बारे में यहाँ बताया है कि शिरीन वहीदी जो है ये 1932 में इसका जन्म हुआ था, और उसको कशानक के अपने बचपन के दिन याद है। वो क्या कहती, She was a child when she first met Ashwindaev, who was 20 years older. जाहिर है, वो 32 में उसका जन्म हुआ, अब ये 29 में ही, उसके पहले बाबा के आश्रम में थे, तो उनके बीच में 20 साल का अंतर था। तो वो कहती है कि वो जब बच्ची थी तब वो अश्विंदर से मिली थी, जो कि उनसे 20 साल बड़े थे। आगे वो कहती है, कौन शिरीन वही देख, उसकी यहाँ तस्वीर भी है, पर जब हम घर जाएंगे या लैपटॉप से करेंगे तब स्क्रीन शेयर पे शेयर कर सकते हैं। वो कहती है, आई रिकॉल दैट अश्विंदर एंड माई फादर दे वर लाइक ब्रदर्स, सेज शिरीन। अब ये कहती है कि मुझे याद है अश्विंदर और मेरे पिताजी जैसे एक दूसरे के भाई थे। द विलेज ऑफ कशानक लोकेटेड नियर द शाहज पैलेस वॉज एस्टेब्लिश्ड व्हेन फाइव पीपल इंक्लूडिंग शिरीन्स फादर पुल्ड देयर रिसोर्सेस। वो कहती है कि कशानक शहर, मतलब कशानक ये जगह कैसे बस गई, बस्ती वहाँ कैसे हो गई, तो ईरान का राजा जो शाह था उसके पैलेस से या महल से ये पास में जगह थी, और जैसा उन दिनों होता था कि शिरीन के पिताजी के साथ कुछ परिवार, 5 परिवार आकर के वहाँ उस जमीन पर बस गए, ऐसा ही हुआ करता था पहले के जमाने में। Eventually 50 families would live there, making their living on 100 acres. तो अंततः 50 परिवार वहाँ रहने लगे, और ये कुल 100 एकड़ की जगह थी, जमीन थी, इसके ऊपर 50 परिवार रहने लगे। वो कहती है, अश्विंदर would talk sweetly about God. अश्विंदर वेस्ले इतने मीठे से अच्छे से ईश्वर की बातें किया करते थे, says शिरीन, शिरीन कहती है।
he would point to a photo of Baba and say, Baba is not a Murshid or a perfect master, he is God. तो वो शिरिन वहीदे अपने बातें बचपन की बताती हैं। वो कहती है कि बाबा की फोटो की तरफ दिखा के, बाबा का फोटो दिखा के अस्वंदर वेसली उसे कहा करते थे, ये संत साधु मुर्शिद परफेक्ट मास्टर सदगुरु नहीं है, वो ईश्वर है। शिरिन, हु मैरिड इन 1958, रिमेंबर्स इंसिडेंट्स इन हर लाइफ that were directly influenced by growing up in a Baba family and having Aswandaya nearby. तो ये शिरिन वहेदी जो है, ये सारी यादें अस्वंदाय वेसली के बारे में बता रही, जो उसे अपने बचपन से याद है, क्योंकि जब वो छोटी थी तो अस्वंदाय ऑलरेडी उससे काफी उम्र में बड़े थे। जब वो 10 साल की होगी तो ये 30-35 साल के, इस प्रकार से, तो उसे उनसे वो काफी प्रभावित हुई ईश्वर के बारे में। तो ये सारे वो बातें बता रही है कि कैसे वो ईश्वर के बारे में बातें करते थे। शिरिन की शादी 1958 में हुई और उसे अपने जीवन के वो सारे प्रसंग याद हैं जब वो बड़ी हो रही थी, जो कि एक बाबा परिवार में पली बढ़ी और अस्वंदायर वेसली भी आसपास में थे। अब वो कौन से बाबा परिवार यहाँ उल्लेख नहीं है, देखते आगे है क्या। 5 years after I married, I became sick and one night I had a dream. वो कहती है, मेरी शादी के 5 साल बाद मैं बीमार हो गई और एक रात मुझे स्वप्न आया, ख्वाब आया। शिरिन says, the dream would never have happened without Baba having come into her life through Aswandaya's influence. उसको पूरा विश्वास है अस्वंदाय वेसली के कारण मेरे जीवन में जो बाबा मेहर बाबा आए, उनके प्रभाव के कारण ही ये स्वप्न मुझे आया, ऐसा वो कहती है। ये उसे यकीन है, ये पूरा उसे विश्वास है। आई वॉज इन कोल्ड डर्टी वाटर एंड सडनली देयर वॉज बाबा ऑन अ माउंटेन टॉप। वो कहती है कि वो सपना ऐसा था कि वो एक बहुत ठंडे गंदे पानी में थे और अचानक वहां पर एक पहाड़ के ऊपर शिखर पर मेहर बाबा आ गए, अपीयर हो गए। आई वॉज सफरिंग इन दिस कोल्ड वाटर एंड बाबा थ्रू मी अ कस्ती अ सेक्रेट थ्रेड फ्रॉम अराउंड हिज वेस्ट। वो कहती है कि मैं ये ठंडे पानी से बहुत परेशान थी, उसी समय बाबा ने अपने अंदर अपने जो पहनी रहती है कस्ती, उसको एक पवित्र धागा, इसको निकाल करके उन्होंने मेरी तरफ उस कस्ती को फेंक दिया। ये कश्ती क्या है? ईरानी लोग, खास करके पारसी लोग जो है वो पहनते हैं, जैसे मराठी में उसको जानहुआ बोलते हैं, हिंदी में क्या बोलते हैं, वो एक धागा रहता है ना ऐसा गले में, जनेऊ, थैंक यू। तो वो जनेऊ जैसा वो पारसी लोग भी पहनते हैं, उसको वो लोग कश्ती कहते हैं। वो दिन में 5 बार झटकनी होती है और मतलब क्या है कि उस प्रहर तक जितने संस्कार हमने इकट्ठा किए उसको झटक देना, उनको ईश्वर को अर्पण करके खत्म कर देना, ये भावना उसके पीछे है। खैर, तो उनके कमर पर जो कश्ती थी, कई दिन बाबा के कमर पर ये कश्ती थी, उसकी भी एक घटना है कि किस दिन बाबा ने वो निकाल करके फिर वहां से उन्होंने उसको पहनना बंद कर दिया, उसकी भी एक है घटना, कभी उसका बाद में जिक्र करेंगे। तो उस स्वप्न में उसने देखा कि बाबा ने अपने कमर से कश्ती निकाल करके उसकी तरफ फेंक दी। वो कहती आ गई, आई पुल्ड ऑन इट एंड सडनली वॉज फेस टू फेस विद बाबा एंड आई सेड यू आर गॉड। वो स्वप्न में वो कहती है कि जिस उसने वो कश्ती पकड़ ली और इमीजिएटली तुरंत वो बाबा के सामने फेस टू फेस थी, एकदम बाबा के सम्मुख थी, और फिर वो बाबा से कहती है, बाबा आप ईश्वर हो। तो कहती है बाबा से, यू आर गॉड, आप ईश्वर हो। इन दोज अर्ली डेज, शिरिन रिकॉल्स, देयर वुड बी ओनली अ फ्यू पीपल एट द बाबा मीटिंग्स। शिरिन कहती है, उसे याद है कि वो शुरू के दिनों में बाबा मीटिंग्स हुआ करती थी, परंतु बहुत कम लोग मीटिंग में आया करते थे। बाबा हैड इंस्ट्रक्टेड अस्वंदाय टू ऑलवेज होल्ड मीटिंग्स इन ईरान। बाबा की आज्ञा से अस्वंदायर ये बाबा मीटिंग्स या बाबा भजन रखते थे और बाबा ने उनको सूचित किया था, आज्ञा दी थी कि
ईरान में बाबा के मीटिंग शुरू करना, तब से ईरान में बाबा की मीटिंग शुरू हो गई बाबा की आज्ञा से। तो ये दूसरी घटना है जो असमंद अयर और मेरे पिताजी के बारे में एकदम सेम टू सेम है। मेरे पिताजी को बाबा ने कहा था कि तुम भजन शुरू करो या केंद्र शुरू करो, इनको भी कहा था, उन्होंने भी कहा था कि कौन आएगा। मेरे पिताजी ने कहा था कि कौन आएगा, तो बाबा ने बोला चिंता मत करो, जहाँ तू बैठेगा वहां मैं भजन के लिए उपस्थित रहूंगा। ये बाबा के शब्द थे। अब जब असमंद अयर ने बाबा से कहा कि बाबा मीटिंग तो करते कोई आता नहीं है, तो बाबा ने उसे कहा था, उस समय वो और चार लोग थे, ये उनमें से एक होगा जिसके बारे में अभी हमने देखा, तो बाबा ने कहा था कि तुम चार रहेगे तब मैं वहां मीटिंग में उपस्थित रहूंगा। ये सेम समहाउ दिस टू इंसिडेंट्स आर वेरी वेरी सिमिलर विद असमंद अयर एंड माय फादर। तो एनीवे, तो बाबा ने असमंद अयर को मीटिंग ईरान में करने के लिए कहा था, लेकिन कम लोग आते थे। आगे वो कहती है, असमंद अयर ट्रीटेड एवरीवन द सेम। मीटिंग में जो भी आता था, ये बड़ी बात है, ये अच्छी बात है, कठिन है, पर वो करते थे। जो भी मीटिंग में आता था, असमंद अयर सभी के सामने एक जैसा बर्ताव करते थे, एक जैसा व्यवहार करते थे। ही प्लेड विथ अस एज किड्स, हमारे साथ वो बच्चों के जैसा खेलते थे। अनदर इंसिडेंट, हमारे यहाँ जब कोई भजन में आते थे, जब हम कांदिवली में थे, तो हमने ये किया कि केवल गाने वाले गाएंगे नहीं, सब गाएंगे। जो भी भजन में आया है, जिसकी भी इच्छा है वो गाएगा, जिसको भी गला फाड़ना है वो फाड़ सकता है वहाँ पर। और पिताजी का भी ऐसा ही था, सबको बारी बारी एक एक को भजन गाने को मिलता था, जिसकी जैसे आवाज है जैसा यह है। एनी वे, असमंद अयर ट्रीटेड एवरीवन, अनदर इंसिडेंट। ओके, आज का थोड़ा पहले दूसरा इंसिडेंट की ओर चलने के पहले, प्रेयर कौन करेगा, आरती कौन करेगा, जरा चार्ट में डाल दीजिए या हैंड रेज कर दीजिए, ठीक है, तब मैं, मेरा टाइम नहीं बर्बाद अपना सबका होगा और मैं आगे थोड़ा पढ़ती हूँ। अनदर इंसिडेंट दैट ऑकर्ड इन चिल्ड्रंस लाइफ आल्सो एम्फसाइजेस द इम्पॉर्टेंट रोल असमंद अयर हैड फॉर हर। शिरीन के जीवन में और एक महत्वपूर्ण घटना हुई, जहाँ पर असमंद अयर का उसके जीवन में जो महत्वपूर्ण भूमिका थी, वह यह घटना बताती है। अब यह घटना क्या थी? माई हजबेंड पास्ड अवे अर्ली इन अवर मैरिज। ये शिरीन वहीदी कहती है कि उसके पति शादी के पश्चात तुरंत कुछ ही दिन में गुजर गए। देर वॉज हाई वाटर इंसिडेंट एट माई मदर्स रेसिडेंस एंड आई हैड टू कंटेंड विद इट। लकीली असमंद अयर केम टू हेल्प। ही डाइवर्टेड द वाटर अवे फ्रॉम द हाउस टू प्रिवेंट अस फ्रॉम बींग फ्लडेड। अब वो कहती है, जो बाढ़ का पानी उनके मम्मी के घर में घुस गया था और संयोगवश वहाँ पर लकीली मतलब संयोगवश वहाँ पर असमंद अयर आए और उन्होंने घर से वो पानी निकालने में उनकी खूब मदद की, और इसकी वजह से उनका घर पानी में नहीं, बाढ़ में बह नहीं गया और वो घर का सामान बाढ़ में नहीं बह गया। तो लेटर शिरीन वेंट टू असमंद अयर्स होम टू थैंक हिम फॉर हेल्पिंग। उसके पश्चात वो असमंद अयर के घर गई कि उसके वो आभार प्रकट करें कि उन्होंने उनको मदद की। तो उसके ऊपर सडनली एवरीवन एट हिज हाउस वाज सेइंग नो, असमंद अयर डिड नॉट कम टू योर हाउस। अचानक उसके घर के सभी बोलने लगे कि असमंद अयर तुम्हारे घर आया ही नहीं। दे इंसिस्टेड ही वाज एट होम द एंटायर टाइम आई वाज गेटिंग हिज हेल्प। जब उसकी मदद की जा रही थी ये बाढ़ में से उसके घर को बचाने की थी, तब पूरे समय असमंद अयर अपने ही घर में था, ऐसे उसके परिवारजन बोल रहे हैं। आई लुक्ड एट असमंद अयर एंड ही गेस्टर्ड टू मी बाय पुटिंग हिज फिंगर टू हिज माउथ सेवरल टाइम्स इंडिकेटिंग दैट आई शुड से नो मोर। अब जब सब परिवारजन यह कह रहे थे, तो असमंद अयर ने, साहजिक है, शिरीन ने असमंद अयर की तरफ देखा तो असमंद अयर ने उसको ऐसा संकेत दिया कि चुप रहे, बोले नहीं आगे, तो आगे मैं कुछ भी नहीं कहूँ, ऐसा असमंद अयर ने मुझे संकेत किया। अब इसके बारे में हम आगे देखेंगे। ये उत्सुकता आप ऐसी बनाए रखो। थैंक यू ऑल ऑफ यू, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग।
थैंक यू बाबा, संभाल लिया, थैंक यू सो मच एंड आई एम सॉरी। अवतार मेहर बाबा की जय। कौन कह रहा है प्रेयर शुरू करे? जय बाबा। नो वन। अवतार मेहर बाबा की जय। हे परवरदिगार, सबके राखनहार और सबकी रक्षा करने वाली तुम्हारा कोई आदि नहीं है और ना ही तुम्हारा कोई अंत है। तुम अद्वैत हो, तुम तुलना से परे हो और तुम्हारा पावर कोई नहीं पा सकता है। तुम्हारा कोई रंग और रूप नहीं है। तुम अभाव से रहित हो और तुम गुणातीत हो। तुम अपार हो और अगाध हो, कल्पना और धारणा से